हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल बोला करो पे। और आज हम आपके साथ ढेर सारे बातें करने वाले हैं। मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मेरा एक्सपीरियंस रिलेटेड टू डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, क्योंकि मैंने जो है डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग करा है। तो मैंने कैसे किया डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसके पीछे का मेरे क्या लॉजिक था फॉर सिलेक्शन, और मेरे जो 3 साल थे वो कैसे गए, मैंने उसमें क्या क्या एन्जॉयमेंट किया, क्या क्या नया सीखा, और मैं कैसे बना गोल्ड मेडलिस्ट अपने कॉलेज में, आज आपके साथ ये सारी चीज़ें मैं शेयर करने वाला हूँ। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। तो शुरू करते हैं, मेरी जर्नी शुरू हो गई 2016 में। जैसे ही मेरा SSC का एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ, मेरा रिजल्ट आ गया, मुझे ऑलमोस्ट 88% मिले थे SSC में। तो मेरे पास तो दो चॉइसेस थे। पहली तो थी कि 11th में मेरे को साइंस में एडमिशन लेना है या फिर लेना है मेरे को डिप्लोमा में, और वो भी मेरा ऑलरेडी फाइनल था। मेरे को मैकेनिकल इंजीनियरिंग पसंद था, इसलिए मैंने पहले से ही डिसाइड किया था कि अगर डिप्लोमा करना है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही करना है। तो बेसिकली जो डिप्लोमा की प्रोसेस होती है, कैप राउंड की, कैप अलॉटमेंट की, ये ऑलमोस्ट जाती है अगस्त तक। और अगर आप बात करते हो 11th 12th की, तो ये जुलाई के आसपास ख़त्म हो जाता है। तो मैंने 11th में साइंस के लिए एडमिशन फॉर्म भर के रखा था एक रिनोड कॉलेज में, और दूसरी जगह मैंने कैप के लिए फॉर्म भर दिया था डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। तो मेरा जो था 11th में एडमिशन हो गया था, मगर जो रिजल्ट था कैप का वो आना भी बाकी था, क्योंकि मुझे डाउट था कि 2016 में भी कि मेरे को मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि तभी अच्छा खासा कंपटीशन था डिप्लोमा के लिए भी। तो फिर मैंने जो है कैप राउंड का वेट किया, कैप राउंड का रिजल्ट ये आया कि मेरा जो है फर्स्ट लिस्ट में ही मेरा जो है एडमिशन पक्का हो गया है डिप्लोमा के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो बहुत ही बढ़िया था, मैं बहुत खुश था। तो मैं पहला काम ये किया कि 11th का जो एडमिशन मैंने लिया था साइंस के लिए वो मैंने कैंसिल कर लिया, सो दैट समबडी एल्स को वो जो है एडमिशन मिले। और फिर मैंने अपना जो डिप्लोमा का एडमिशन प्रोसेस था वो किया शुरू। ठीक है, तो डिप्लोमा का पहला दिन बहुत ही बढ़िया था, बहुत सारा लोगों से मैं मिला, बहुत बढ़िया कॉलेज था, बहुत ही बड़ा स्पेशियस चीज़ें थी, बहुत सारी लैब्स थी वगैरह वगैरह। अब बात करते हैं कि सबसे बढ़िया जो चेंजेस मुझे लगे डिप्लोमा में, वो तो ये थे कि 10th तक जो था अपना जो सिलेबस होता है या फिर बोलो जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो होते हैं ईयरली बेसिस। ओके, मतलब आपको जो पूरा पढ़ाई करना है उसका जो है 1 साल के बाद आप एग्ज़ाम दोगे। वेरस डिप्लोमा में कैसा था कि आपको पूरी पढ़ाई करके 6 महीने के अंदर जो है आपको देना है एग्ज़ाम, और उसके बाद 6 महीने के बाद आपको नए सब्जेक्ट्स आएंगे, आपको नया सीखना है, फिर 6 महीना, एंड दिस वे ये पूरा जो है 3 साल का जो जर्नी है वो कटता है। हर 6 महीने में आपको जो है एग्ज़ाम्स देना पड़ता है और उसके बाद नए सब्जेक्ट्स आएंगे। तो डिप्लोमा में चैलेंज ये था कि आपको कम से कम समय में पूरा सिलेबस कंप्लीट करके एग्ज़ाम को अपीयर होना पड़ता था। तो ये एक बहुत ही चैलेंजिंग चीज़ था मेरे लिए। तो बेसिकली अगर आपके साथ मैं मेरी स्ट्रैटेजी शेयर करूँ कि मैंने जो है डिप्लोमा की पढ़ाई कैसे करी थी जिसके कारण जो है मैं गोल्ड मेडलिस्ट बन सका, मैंने ऑलमोस्ट जो है डिप्लोमा में 92% स्कोर करे थे, और उसके बाद मेरी जो जर्नी थी बहुत ही बढ़िया रही है। मगर वो 92% अचीव करने के लिए मैंने बहुत सारी प्लानिंग, स्ट्रैटेजीज और एफर्ट्स लगाए थे, उसके सिवा तो ये नामुमकिन था। तो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि मेरी कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज थी जिसके वजह से जो है मैंने डिप्लोमा में गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। तो बेसिकली पहली चीज़ तो ये थी कि SSC में मेरे को फर्स्ट रैंक लाना था, जो कि मैं नहीं ला पाया। मेरा पहले से ही ये गोल था कि मेरे को कभी ना कभी तो भी टॉपर बनना है। ठीक है, मैंने बहुत उसके लिए एफर्ट्स डाले, बहुत कुछ किया, मगर इट वॉज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल, मेरा कभी भी वो नहीं हो पाया। तो मैं ये सोच रहा था कि अभी डिप्लोमा में मेरे को एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं डिप्लोमा में तो भी टॉप करके दिखाऊँ। तो इसके लिए मैं जो है क्या फॉलो करता था, तो मैं जो है घर से जब कॉलेज निकलता था तो तभी भी मैं एक या फिर कोई भी टॉपिक लेता था।
ओके, समझो मैकेनिक्स का एक चैप्टर ले लिया, या फिर सॉम का कुछ ले लिया, या फिर डॉम का कुछ ले लिया, या फिर मैथ्स के फॉर्मूले ले लिए। तो जब मैं घर से कॉलेज जाता था तो मैं कंप्लीट उसको बाय हार्ट करते हुए जाता था, सो दैट एक मैं को भी टॉपिक लेता था, टारगेट लेता था कि मेरे को कॉलेज में जाने तक ये बाय हार्ट हो जाना चाहिए। जब मैं कॉलेज में जाता था तो कॉलेज में पढ़ाई करता था पूरा दिन, कॉलेज का लैब्स, प्रैक्टिकल्स, लेक्चर्स, ये करने के बाद मैं वापस घर के लिए निकलता था। और घर के लिए जब मैं निकलता था तो दूसरा टारगेट सेट करता था कि मेरे को कॉलेज से घर तक जाने तक ये एक टॉपिक जो है ये बाय हार्ट हो जाना चाहिए। तो बेसिकली जो है मैं डेली ये प्रैक्टिस करता था कि मैं घर से कॉलेज और कॉलेज से घर बाय हार्ट और सेल्फ टॉकिंग करते हुए ही जाता था कि मेरा ये टॉपिक आज हो गया, मेरा ये टॉपिक आज हो गया, और कंप्लीट मैं ऐसे ही करते जाता था। पहले दिन से लास्ट दिन तक, मतलब जब एग्ज़ाम आता था 6 महीने के बाद, मैं कंटिन्यूस स्टडी करता था। बेसिकली मैंने बहुत बार मेरे फ्रेंड से सुना है और ऐसा भी सुना है, मेरे फ्रेंड्स बोलते थे, टीचर्स बोलते थे कि इंजीनियर्स जो है वो लास्ट दिन पढ़ाई करके जो है सारा बोलो स्टडी निकालते हैं या फिर पेपर निकालते हैं, मगर मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया। मैं पहले दिन से स्टडी जो है स्टार्ट करता था और वो लास्ट डे तक मेरी जो है पढ़ाई कंटिन्यूस रहती थी। ओके, तो ये एक स्ट्रैटेजी थी जो मैंने फॉलो करी थी अपनी जो डिप्लोमा की जर्नी थी उसमें, और उससे मेरे को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ। मगर इसमें चैलेंज क्या पता है, ये करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है स्टडीज़ तभी आप कर सकते हो, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है और आप फोर्सफुली करोगे तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा। अब मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, ये रीज़न बोलो या फिर ये स्ट्रैटेजी फॉलो करने के लिए मेरे को मोटिवेशन मिला वो एक ही स्टोरी की वजह से मिला। तो क्या हुआ था, जब मैं पहले दिन डिप्लोमा के कॉलेज में चला गया था तो लेक्चर चल रहा था, और एक टीचर थे हमको, वो टीचर ने मुझे उठाकर एक फिजिक्स का क्वेश्चन पूछ लिया। फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो सब्जेक्ट्स है वो फर्स्ट ईयर डिप्लोमा में भी रहते हैं, तो बेसिकली फिजिक्स का क्वेश्चन पूछ लिया जिसका आंसर मैंने उनको दे दिया। अब देने का रीज़न ये था कि जैसे मैंने आपको बताया मेरे को इंटरेस्ट बहुत था मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो जैसे ही मेरे को बुक्स मिले तो मैंने उसकी पढ़ाई चालू कर दी। तो जैसे ही मैंने उसकी पढ़ाई चालू कर दी थी तो मैंने पहला चैप्टर फिजिक्स का पढ़ के ही गया था। ओके, तो जैसे कि मेरे को पता चला कि आज टाइम टेबल के हिसाब से फिजिक्स का पहला लेक्चर होने वाला है, तो मैंने जो है फिजिक्स का पहला चैप्टर का जितना हो सके उतना पढ़ के चला गया था। तो सर ने बाई चांस मेरे को ही उठा लिया और मेरे को क्वेश्चन पूछ लिया, तो मैंने जो स्टडी किया था उसको मैं बता दिया। तो बेसिकली जो है उस क्वेश्चन का आंसर मैंने राइटली दे दिया। सो पता नहीं क्या होगा सर को, तो सर ने एक घोषणा कर दी, बोलो अनाउंसमेंट कर दी कि पूरे कॉलेज में कि यही बच्चा जो है टॉपर बनेगा, ठीक है, यही बच्चा जो है टॉप करेगा। तो मैं ये सुन के हिल गया भाई, पूरे क्लास में इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया, ऐसा कैसा पॉसिबल है कि मैं ही टॉप करूंगा, क्योंकि मेरे को तो पता ही नहीं है कि मैं कैसे टॉप कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने आपको पता होगा अभी बताया मैंने कि एसएससी तक मेरा जो सपना था मेरे को टॉपर बनना था, मगर डिप्लोमा में इतना कॉन्फिडेंट नहीं था मैं कि मेरे को जो है मैं टॉपर बन के दिखाऊंगा वगैरह वगैरह। मगर सर ने जैसे बोल दिया वो मेरे बात मन में ही बैठ गई। फिर बाद में जब मैं लैब्स में भी जाता था ना तो सर बार बार ये बोल के दिखाते थे कि यही बच्चा जो है टॉप करेगा। भाई ये देव मैं सुन के हिल गया भाई, ऐसा कैसे हो रहा। तो उसके वजह से जो है ना मैंने मेरा जो स्टडी चल रहा था उसमें मैंने डबल स्पिल डाल दिया कि भाई मेरे को बनना है तो टॉपर ही बनना है। तो मैंने मेरा एफर्ट्स मारना चालू कर दिया, मैंने मेरा स्टडी करना चालू कर दिया रिगरसली, जैसे मैंने आपको बोला था हर समय आते जाते आई वॉज जस्ट बाय हार्टिंग। एंड लकीली क्या हो गया कि पहला जो सेमिस्टर था वो उसके लैब्स ये सारे ओरल्स वगैरह सारे ख़त्म हो गए और MSBTE का जो हमारा एग्ज़ाम था वो चालू हो गया। एग्ज़ाम चालू हो गया, मैंने सारे पेपर्स दे दिए, फर्स्ट सेमिस्टर का भी रिज़ल्ट आने वाला था। तो जैसे ही फर्स्ट सेमिस्टर का मेरा जो है रिज़ल्ट आ गया, मुझे इतना बढ़िया लगा वो रिज़ल्ट देख के कि ऑलमोस्ट जो है मेरे को 86% मार्क्स मिले थे डिप्लोमा के फर्स्ट सेमेस्टर में। एंड आई वॉज लाइक बाप रे, हाउ इज़ दैट पॉसिबल, हाउ आई गॉट इट।
लकीली अगर आप सोचोगे तो बेसिकली आई वॉज दी पर्सन हु गॉट टू बी अ टॉपर, और मैं जो है टॉपर बन गया। और बेसिकली जो है मेरे को खुद को विश्वास नहीं था कि मैं कैसे टॉपर बन गया, ठीक है। तो मैं जैसे टॉप कर दिया एग्जाम्स में, तो फिर तब से तो पूरी कॉलेज में हवाई चल गई कि उस बंदे ने टॉप मार दिया, वो बंदे ने टॉप कर दिया, ये वगैरह वगैरह। तो जो मेरे को खुद को विश्वास नहीं था कि मैं कैसे टॉप कर दिया, ठीक है। तो फर्स्ट सेमेस्टर तो मैं टॉपर बन गया। अब ये चीज़ थी कि भाई मेरे को टॉपर बने रहना है, बिकॉज फर्स्ट सेम तो हो गया, तो ऐसा नहीं कि सेकेंड सेमेस्टर में अभी दूसरा कोई टॉपर बनता है तो फिर क्या ही बात बन जाएगी। तो मैं जब प्रैक्टिकल्स के लिए भी जाता था ना, तो बहुत ही रेपुटेटेड लगता था मेरे को, बहुत ही बढ़िया मजा आता था, क्योंकि हर कोई बोलता था कि देखो टॉपर आ गया, देखो टॉपर आ गया। अगर कोई पूछना है तो ये देखो टॉपर से पूछो। तो सेकेंड सेमेस्टर में ना दूसरे और एक सर मेरे को मिले केमिस्ट्री के, बहुत ही बढ़िया थे वो सर। वो भी मेरे को बहुत अच्छे से गाइड करते थे, वो मेरे को बहुत अच्छे से बताते थे चीज़ें और ये सब। तो उनके गाइडेंस अभी मेरे को बहुत हेल्प हो गया। तो उनसे मेरे को फिर अच्छे मार्क्स मिले इंटरनल, और फिर बाद में आ गई सेकेंड सेमेस्टर। सेकेंड सेमेस्टर आने के बाद मेरा जो है फिर सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम आ गया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे दो सपने थे बेसिकली जो मेरे डिप्लोमा में पूरे हो गए, बाय गॉड्स ग्रेस बोलो और मेरे एफर्ट्स बोलो। तो मेरे को जो था साइंस में 100 out of 100 लाना था, और दूसरा था कि मेरे को मैथमेटिक्स में 100 out of 100 लाना था। इसका रीज़न ये था कि मैं बहुत ट्राई करता था साइंस के लिए, तो मेरे को कभी भी साइंस में 100 out of 100 नहीं मिले, 90, 92 ऐसे ही मिलते थे मेरे को। आई गेस SSC में भी 94 मिले हैं 100 में से। तो मेरे को कभी भी मैं साइंस में टॉप नहीं किया, या फिर बोलो मेरे को 100 out of 100 नहीं मिला। और रहा मैथमेटिक्स का सवाल, तो मैथमेटिक्स मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए मेरे को उसमें टॉप करना था। तो ये दो रीजंस थे मेरे को ये दोनों सब्जेक्ट में टॉप करने के लिए। तो मेरे को आप हैरान हो जाओगे कि मेरे को जो है साइंस में जो फिजिक्स और केमिस्ट्री होता है फर्स्ट ईयर डिप्लोमा, मुझे 99 मार्क्स मिले थे 100 out of, एंड आई वॉज दी टॉपर फॉर दैट। और मैं ये जो देख के बहुत ही खुश था। तो मेरे जो सारे सपने हैं ना गाइस, ऑलमोस्ट जो है डिप्लोमा में बहुत ही ज़्यादा पूरे हो गए हैं।